लाख मना वो कर बैठे, पर वो कहां थे मानने वाले। सियासत का जो खेल गजब है, कहां थे वो रुकने वाले। जरूरत 5,000, खर्चा 5,00,000। न लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को गौर किया, न ही आचार संहिता को ही ध्यान में रखा गया। छात्र संघ चुनाव में भी प्रत्याशियों ने पानी की तरह पैसा बहाया है। अब सवाल यह है कि क्या छात्र संघ चुनाव छात्रों का चुनाव नहीं रह गया है, और क्या चुनाव में मुद्दों से ज्यादा पैसों की अहमियत रह गई है। आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। नेतृत्व नहीं, ऐसा लगता है वर्चस्व की जंग हो चुकी है। छात्र संघ चुनाव, कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुद्दा और तैयारी आम चुनाव जैसे। यूं तो छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशियों को खर्च करने की रकम 5,000 रुपए तय की गई, लेकिन प्रत्याशियों की रैली देख लीजिए, लगता है बड़ा बंदोबस्त है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को रिझाने के लिए बड़ी पार्टी का इंतजाम, लग्जरी गाड़ियां, बढ़िया खाना, अच्छा मनोरंजन। अब जब ये सब कॉलेज लाइफ में ही मिलने लगे तो छात्रों का मुद्दा कहां जाएगा। छात्र संघ चुनाव में आचार संहिता, लिंगदोह कमेटी की सिफारिश है, लगता है प्रशासन को और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल है कि इस प्रशासन को मेहनत करने की ताकत कहां से आएगी। आखिर ये भी तो किसी सियासी पार्टी के रखवाले जो ठहरे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार। तो लाखों उड़ाया गया, काफी खर्चा किया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से कोशिश की गई तमाम कॉलेजों के कि छात्र छात्राओं को रोका जाए, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर निकलकर जो सामने आई, उसके बाद सवाल कई उठते हैं। जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज बिग बुलेटिन में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल शुक्ला, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरेवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ये भी रह चुके हैं। हनुमान बेनीवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। आपको बता दें कि ये सभी लोग वर्तमान में बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर। सबसे पहले आपके पास आऊंगी खाचरेवाल साहब। लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आवश्यकता से अधिक खर्चा क्यों किया जा रहा है, क्या जरूरी है, पैसा या छात्र हित? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, 5,000 रुपए जो लिंगदो कमेटी की आप बात करते हैं, ये तो लिंगदो कमेटी ने जो 5,000 रुपए तय किए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अपना एक एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार चुनाव होते हैं। अब लिंगदो कमेटी ने जो 5,000 रुपए तय किए, वो तो कैसे हो सकते हैं? राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप जाकर देखिए, हर स्टूडेंट कोई कार लेकर आ रहा है, कोई जीप लेकर आ रहा है, कोई स्कॉर्पियो लेकर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है, कोई स्कूटर लेकर आ रहा है। तो ये जो 5,000 रुपए तय किए, 5,000 रुपए यदि तय किए तो उसको लागू करवाइए। वर्तमान में तो 5,000 से ऊपर खर्च हो रहा है, होटल में कमरे बुक किए जा रहे हैं, पार्टियां की जा रही हैं। आप ये मानकर चलिए, मैं मुझे तो ये तो पता नहीं कि होटल में कमरे बुक किए जा रहे हैं या नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट कैसा है? वो स्टूडेंट अच्छे परिवारों के भी हैं, पैसे वाले परिवारों के भी, उनका एक ग्रुप है, उनके दोस्तों का एक परिवार है। आज यदि वो गाड़ी लेकर जब पढ़ने जाता है तब भी गाड़ी लेकर जा रहा है, चुनाव में जा रहा है तब भी गाड़ी लेकर जा रहा है, जब पोलिंग वाले दिन वो जा रहा है वोट डालने के लिए तो उसको कह रहे हैं कि आप गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ी कर दो, पैदल अंदर जाओ। बहुत बड़ा कैंपस है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, वह गाड़ी अंदर जा सकती है, जाने दीजिए उसको, वोटिंग करने दीजिए। या फिर पूरे देश में सरकारों को लगता है कि चुनाव फिजूली है, तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी, कांग्रेस सब मिलके एक कंसेंसस बनाए और बंद करवा दें। लेकिन ये टारगेट करना कि सब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो हो रहा है वो तो सब ठीक है, और ये लड़के है ना, ये गुंडे हैं, क्योंकि ये 89% लेकर एडमिशन ले रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। पता है आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो चुनाव हो रहा है, एक भी स्टूडेंट 85% से नीचे नहीं है, कट पॉइंट लास्ट 85 जा रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। लेकिन खाचरेवाल साहब, एक बात ये भी कि केवल एक गाड़ी नहीं रोकी जा रही है, एक गाड़ी नहीं है, रेला निकल रहा है गाड़ियों का, रैलियों टाइप की गाड़ियां आ रही है, अरे कोई व्यवस्था खराब नहीं होती, 5 दिन में कहां व्यवस्था, कोई गोलियां चल रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, मुझे आप बताइए तो सही, थोड़ा बहुत कहीं होता है तो हर इलेक्शन में होता है, लेकिन स्टूडेंट को टारगेट करना ठीक है कि साहब ये ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये स्टूडेंट है, हम भी यूनिवर्सिटी। वापस आएंगे आपके पास अखिल जी, ऐसे में चुनाव मुद्दों पर नहीं होता है, केवल पैसों पर चुनाव होता है ऐसी स्थिति में? फिर ऐसा नहीं है साहब, ये एक्चुअल में एक गलत धारणा है, विद्यार्थी मुद्दों पर चुनाव भी लड़ते हैं, अपनी वो जनता और छात्रों के बीच में अपनी बातें रख करके और जीतते हैं चुनाव को। और वो आज देखा जाए, राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास को देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय ने छात्र संघ अध्यक्ष जो रहे हैं बहुत एमएलए बनाए हैं, एमपी बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, आईएएस भी बने और भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी गए हैं, और देखा जाए राष्ट्रीय राजनीति में देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं,
अभी वर्तमान में वित्त मंत्री भी बने, ऐसे बहुत से उदाहरण है जो छात्र राजनीति से लोग आगे बढ़े हैं। तो छात्र राजनीति एक प्रथम लोकतंत्र की सीढ़ी है, और इस सीढ़ी में आप ये मान के चले कि जो व्यक्ति चुन करके आता है, आप एक तो एक आम धारणा ही बदलनी होगी सभी को कि वो विद्यार्थी को जो गुंडे के रूप में देख रहा है वो गलत है। ये सब मेधावी छात्र हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं जो इस कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में अच्छे परसेंटेज के बाद में एडमिशन ले रहे हैं। गुंडे की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात मुद्दों की कर रहे हैं। ऐसे में छात्र हितों के, छात्र हित जो है, जो मुद्दा है छात्रों से जुड़ा हुआ, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है साहब, मुद्दों की बात ही नहीं है। कारण क्या है कि ये सब लोग जो लड़ते हैं चुनाव, ये विद्यार्थियों से अपना मत मांगते हैं, अपनी बात उनके सामने रखते हैं। हम ये क्यों मान रहे हैं कि मुद्दों से भटक रहे हैं? मुद्दों से कहां भटक रहे हैं? अभी तक आप ही देखिए, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे बने हैं सब अपना एक अच्छा कैरियर लेकर के कार्य कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में कर रहे हैं और चाहे अन्य किसी क्षेत्र में कर रहे हैं। समझ में आ गया। हनुमान बेनीवाल जी, आप निर्दलीय हैं, आपसे जानना चाहूंगी, आपसे मैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हैं छात्र संघ का, ये जो पार्टियां, ये जो छात्र नेता चुनाव लड़ते हैं, इतना पैसा बहाते हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है, पैसा आता कहां से है? पार्टियां फंडिंग करती हैं या फिर परिवार से सहायता मिलती है इनको? रोशनी चाहेंगे आप इस पर। पैसा तो बहुत ज्यादा, तो पैसा नहीं खर्च करते, लेकिन 5000 का जो लिंगदो कमेटी में राइडर है, उस 5000 का जो बताया, 5000 में तो एक दिन की चाय का खर्चा भी निकलता। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है ना, ये बिल्कुल गलत है, सरकार को इसको विथड्रॉ करना चाहिए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लिंगदो कमेटी के आधार पर चुनाव कराने चाहिए। ये कोई जरूरी थोड़ी कि स्टेट गवर्नमेंट उस आधार पर कराएगी, नए एक्ट लेके आ सकती है। जिस तरह पंचायत चुनाव होते हैं, नगर पालिका चुनाव होते हैं, सरकार जब चाहे उनमें बदलाव करती रहती है। अभी पंचों, सरपंचों में, नगर पालिकाओं में पहले एजुकेशन का नहीं था, इस बार 10th पास लोग बने, चाहे नगर पालिका देख लो, पंचायत चुनाव देख लो। तो लिंगदो कमेटी के आधार पर अगर आप चुनाव कराओगे, इसके बजाय तो हमारा तो ये कहना है कि जो मेरिट में आने वाले लड़के हैं ना, उनको आप सत्संग अध्यक्ष बना दो सीधे, और एक दो सेमिनार करा ले, और कोई सूर्य नमस्कार या कोई ऐसे काम वो कर ले, उठ बैठ निकाल ले वीसी के, कॉलेज प्रिंसिपल के। मुझे नहीं लगता कि पैसा ही मूल आधार है जिस पर चुनाव लड़ा जाता है। अमिताभ जी, लिंगदो कमेटी का मूल आधार नहीं है, पैसा ही मेन है, क्या कहना है आपका? मैं ये कह रहा हूँ, हमारे टाइम जैसे प्रताप जी अध्यक्ष थे, और मैं अध्यक्ष था, उसके बाद दो, अब आप अभी आएंगे, दो तीन जो अध्यक्ष और हमारे बाद के जो बने थे, और पिछले लगातार जो 10 अध्यक्ष बने, मैं तो 2 साल पहले कौन था उसका नाम ही पता नहीं। हम मुझे नहीं लगता कि वो छात्र संघ अध्यक्ष विधायक तक पहुंचेगा। बेनीवाल जी, प्रोग्राम ऊपर चर्चा करने नहीं आया, कौन अध्यक्ष बना, प्रताप सिंह जी बने, अखिल शुक्ला बने, इस पर चर्चा थोड़ी करने आया कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा कि बुरा रहा, ये विषय नहीं आज, ऊपर चर्चा नहीं। मेरा मानना है लिंगदो कमेटी की सिफारिश अगर अव्यवहारिक है तो वो बदलवाने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन जब तक कोई चीज अस्तित्व में है तब तक उसकी चिंदी चिंदी चिथड़े चिथड़े करके सड़क पर मत फेंको। साहब लिंगदो कमेटी, भाई साहब बीच में मत बोलिए, अभी आपके पास आएंगे हनुमान बेनीवाल। अच्छा ठीक, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं हो रहा मित्र, ये टेलीविजन पर बहस है, सुन ले समझ गए ना, ये छात्र संघ नहीं है, ये जनसंघ है, जनता का संघ, जनसंघ दीपक वाला नहीं। मूल प्रश्न क्या है? कहा गया छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी, ये बड़ा पुराना एक वो है, फ्रेज है, हमेशा इस्तेमाल होता है हर चुनाव में, पुराने जो नेता आते हैं जो पार्टियों में सक्रिय हो जाते हैं वो यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। तो पहली सीढ़ी तो साफ सुथरी रहने दो, बाकी सबका तो स्वच्छता अभियान में के नाम पर नरक हो ही गया। विधानसभा का चुनाव हमको पता कैसे लड़ा जाता है, लोकसभा का भी पता, इसको ठीक रहने दो, कोई तकलीफ? तीसरी बात, लोग कहा गया कि बच्चे गाड़ियां लेके आते हैं, मेरे 25 साल के अपने अनुभव में, देश भर का अनुभव, और उसी देश में मेरे ख्याल से शायद राजस्थान भी शामिल है, अभी किसी अलग देश का हिस्सा तो बना नहीं, भारत का हिस्सा है। तो मेरा तजुर्बा यह कहता है जो इलीट क्लास है प्रताप भाई देश का, उसके बच्चे एमिटी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, रेयन में चले जाते हैं, गलगोटिया में चले जाते हैं, जो 5-5, 10-10 लाख रुपए साल की फीस ले रहे हैं। ठीक, जो भारत के आदमी का बेटा है, इंडिया वाले तो उधर चले गए समझिएगा, वो सरकारी विश्वविद्यालयों में जाता है। आप चुनाव को जितना महंगा करते जाएंगे, अभी कुछ थोड़ी देर पहले हमारे इसी चैनल पर एक पुराने नेता जी कह रहे थे, पहले चाय पे चर्चा होती थी, अब पिज्जा पे चर्चा होती है,
तो पिज्जा तो महंगा आता है। जब तर्क इस स्तर पर आ जाए तो उनको दूर से प्रणाम करना पड़ेगा, तो दूर से मुझे प्रणाम करना पड़ेगा उनको। अगर तर्क की स्तर ये हो जाए राजस्थान में तो फिर बहस करने की बजाय प्रणाम कर लेना चाहिए। आता है सामान्य जन का बच्चा सरकारी यूनिवर्सिटीज में, क्या भारत का सामान्य जन इतना समृद्ध हो गया है? भारत सरकार का डाटा कहता है 72% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो 30 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, फिर से सुनिए, 30 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से कम पर जीवन जी रहे हैं, उस पर या उससे कम पर। मैं कैसे मान लूं पूरा देश इतना समृद्ध हो गया? यह पूरा देश गाड़ी पर चल रहा है, यह पैसा कहां से आता है? यह पैसा जहां से आता है, प्रताप भाई बात कड़वी है लेकिन अब हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए। हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो हम पीढ़ियों के साथ अन्याय करेंगे। ये पैसा वैसा ही है जैसे कोई महाजन गांव में किसी किसान की खेत फसल तैयार होने से पहले गिरवी रख लेता है 500 रुपए देके। ठीक, थोड़ा बहुत हमने भी देखे हैं छात्र संघ, राजनेता और दूसरे किस्म के लोग जिनके दूसरे धंधे हैं वो भी पैसा पंप करने लगे। अभी कहा जा रहा था एबीपी अलग अधिष्ठान है, एनएसयूआई कांग्रेस का है। अब सैद्धांतिक तौर पर आप कह सकते हो लेकिन व्यवहारिक तौर पर इस बात को कोई मानेगा? हिंदुस्तान में तो कोई नहीं मानेगा कि एबीपी अलग है, नहीं ना। व्यवहारिक सच तो यही है जो सब जानते हैं, ये पैसा पार्टियां फूंकती हैं। जब पार्टियां फूंकती हैं तो वो फिर छात्रों को भीड़ लाने वाले एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती। जयपुर शहर के बिल्डर्स, जयपुर शहर के सर्राफे वाले, उनके झगड़े की पंचायतें करने का भी काम मिलने लगता है छात्र संघ को। क्यों, ये काम है क्या छात्रों के लिए? नहीं ना। तमाम मुकदमे भी हुए लोगों पे, प्रताप जी को भी याद होगा, ये काम तो नहीं ना आपका, पढ़ने पढ़ाने का काम है। हनुमान बेनीवाल की बात ठीक है मुझे लगी, बाकी सब जगह तो लाठी डंडा चल ही रहा है लोकतंत्र के नाम पर। शैक्षणिक संस्थानों में जो सर्वोत्तम हो उसको छात्रों के हितों के लिए मुखिया बना दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? जो प्रतिभा में सर्वोत्तम हो, क्योंकि वहां तो पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई तीसरा काम नहीं ना। वहां भाजपा कांग्रेस सपा बसपा तृणमूल कांग्रेस जनता दल यू इनके झंडे बैनर क्यों लहराए, इनके लोगों की दखल क्यों हो? पढ़ के आ जाइए उसके बाद ठाट से राजनीति करिए, जो पार्टी अच्छी लगे उसमें जाइए, कोई बंदिश नहीं। लेकिन कम से कम जब तक पढ़ने के लिए माता पिता ने भेजा है तब तक वहां केवल वही काम होना चाहिए जिसके लिए वो बने। खाचरवास साहब, लगातार पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, छात्र हितों का नुकसान हो रहा है, ऐसी बातें लगातार सामने आ रही हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात मानकर चलिए, अमिताभ जी का कहना काफी हद तक ठीक है, लेकिन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूं, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, तीन तो हम यहां पर बैठे हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक भी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट, चाहे वो बीजेपी का रहा है, चाहे कांग्रेस का रहा है, चाहे हम जैसे फ्री थिंकर्स रहे हैं, हम लोग उस वक्त एनएसयूआई एबीपी में नहीं हुआ करते थे, मैं हनुमान बेनीवाल जी जैसे लोग, बहुत लोग हैं। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इस पर बैठ के कह रहा हूं, आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, जयपुर में ऐसा कोई बिल्डर नहीं है, ऐसा कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। हाँ, कांग्रेस बीजेपी से फंडिंग हो सकती है, कोई लीडर जाए वो अपना पैसा खर्च कर दे, लेकिन अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं हम, इसलिए अच्छा आपने जैसे कहा कि अभी हम मेरिटोरियस को बना दे, वो दूसरे वे में कह रहे थे हनुमान जी के, या तो चुनाव कराओ मत, नहीं नहीं कराओ तो वो सीधे में कह रहे हो, मैं तो सीधे वे में कह रहा प्रताप भाई। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ, यहाँ झंडा बैनर का काम नहीं, स्कूल में झंडा बैनर का क्या काम भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये पत्थर है कि 24 अगस्त पर रोड है, नहीं अमिताभ जी बिल्कुल पाल ठोकनी है, सोनिया जी के दरबार में ठोको, अमित शाह के दरबार में ठोको, नहीं नहीं, लेकिन हम आपकी बात से सहमत नहीं है ना अमिताभ जी, जी हम आपकी बात से सहमत नहीं है, हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में चुनाव बंद कराने के फेवर में नहीं है, नहीं नहीं, ये 18 वर्ष इस देश में वोटिंग राइट में है, वोटिंग राइट मिला हुआ है। आज हम ये इस बहस में नहीं कह सकते कि हम ये कहें कि चुनाव बंद कर दीजिए, डेमोक्रेसी पर ये कंट्री टिका हुआ है, इसमें सुधार की बात है वो हो सकती है,
क्या इसमें ये सुधार करें, कांग्रेस बीजेपी मिले, नेता मिले, लोकसभा बोले, विधानसभा बोले, यदि लिंगदो भी लागू करना था मना किसने किया? कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है आप उसको लागू कीजिए। यदि आप बच्चों को स्टूडेंट्स को समझा देंगे कि आपको पोस्टर बैनर नहीं लगाने हैं, आपको तो नहीं लगाएगा, आपको उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन है, पुलिस उसको ये तो रोक देती है कि तू वोट डालने के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाओ, कहता मैं पोलिंग ही नहीं करूंगा, बेचारा वापस चला जाता है, उसको तंग करेगी, लेकिन आप उसको लागू करवाइए ना। मैं आपसे सहमत हूं कि सिस्टम में सुधार आना चाहिए, लेकिन लिंगदो कमेटी के नाम पर भैया एक बार साथ प्रताप भाई आपकी बात सिरमा थे। अखिल शुक्ला जी, मेरे जैसे कम समझदार लोग ऐसा मानते हैं कि RWA में होने वाले निर्वाचन और शैक्षणिक संस्थाओं में होने वाले निर्वाचन, इनमें निर्वाचन की प्रक्रिया तो रहे, लेकिन इनका निर्वाचन उसी शेड में, उसी कलर में चुनाव का प्रोसेस नहीं हो जिस कलर में विधानसभा और लोकसभा लड़ा जाता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई कहीं लोकतंत्र खतरे में आता है क्या अखिल भाई? ऐसा है साहब कि मेरा मानना यह है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहां पर जो विद्यार्थियों के चुनाव होते हैं वो चुनाव विद्यार्थी, आपका जो कहना है पढ़ने वाला संस्थान है वो तो सही है, मैं अभी आपको पूर्व में बता चुके हैं कि यहां मेरिटोरियस बच्चे ही प्राय एडमिशन उनके होते हैं, और उन बच्चों में यदि विद्यार्थी में पढ़ाई के साथ साथ यदि वे अपने छात्र हितों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो राष्ट्र के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो ये उनको करना एक अच्छी बात है, अच्छी प्रवृत्ति है। अब वो यदि छात्र राजनीति के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, चुनाव को मैच एक औपचारिकता मानने की जरूरत नहीं है। ठीक बात, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाए और इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करें। बेनीवाल साहब, अखिल भाई ने कहा कि राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, बड़ा स्वागत, राष्ट्र के लिए जो जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन सबको मेरा प्रणाम और नमन हृदय से। गरीब बच्चों को अपने मोहल्ले में पढ़ाने का काम शुरू कर दें, मेरिटोरियस बच्चे ही आते हैं वहां, ठीक है ना। समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाएं, स्वच्छता अभियान में जयपुर में हिस्सेदारी निभाएं, गरीब जनता को RTI एक्ट का महत्व बताएं, जो एप्लीकेशन नहीं लिख पाए उसकी एप्लीकेशन लिख के जमा कराए, राष्ट्र सेवा के गए 10-5 काम तो अभी MN ने बता दिया, थोड़ा समय देंगे तो अपन बहुत सारे काम बता देंगे करने के लिए। क्या काम ढूंढने में दिक्कत आ रही है राष्ट्र सेवा के? बेनीवाल साहब, मैं तो साहब इस पे ये कहना चाहता था जी कि जो छात्र संघ चुनाव में अभी कई कैंडिडेट मेरे भी संपर्क में थे, निर्दलीय 2-3 लड़ रहे थे, लेकिन इतना खर्चा तो नहीं हो रहा, अल्लाह ज्यादा हो रहा, इतना कहां खर्चा हो रहा छात्र संघ चुनाव में, इतना बहुत ज्यादा जो करोड़ रुपए खर्च कर दिया, ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन 5,000 में तो खर्च करने की हसरत है क्या मन में स्कूल में? मेरे तो नहीं है। और जो कर रहे हैं उनके सब परिवार, सक्षम परिवार के लोग, उनका परिवार या तो खर्चा करता रहा, हो सकता है कोई पॉलिटिकल लोग छोटी मोटी मदद कर देते होंगे बाकी परिवार से ही। आप लोग ऐसी बात टीवी पे बैठ के बोल देते हो जिससे लगता है कि इससे ज्यादा मासूम जवाब हो नहीं सकता भारत में। हमको आपको पता नहीं क्या हम लंदन से आए हैं क्या यार? प्रताप भाई, मतलब कहीं तो कुछ कितना पाखंड करेंगे हम सब मिलके स्कूल में लड़का, सुन लो पहले मेरी बात बेनीवाल जी, स्कूल में लड़का जीतता है अपने घर नहीं जाता, सबसे पहले दिल्ली में जी स्कूल के बच्चे जब जीतते हैं तो वो सीधे जाते हैं और सोनिया गांधी से गहलोत नहीं मिल पाते, जोशी नहीं मिल पाते, 6-6 महीने टाइम मांगते रहते हैं, वो बच्चे जाते हैं ढोल बजता है, फोटो खिंचाई जाती है, सोनिया जी लड्डू खिलाती है, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं, वो तो प्रचार में चले गए देश सेवा करने। वैसे ही दिल्ली के किसी कॉलेज में कोई लड़का जीतता है सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह लड्डू खाने जाता है, राजनीति नहीं कर रहा है वो, तो शिक्षा से भी है, समाज सेवा कर रहा है, किसको कौन समझा रहा है भाई? और ऐसे मासूम बन के कहा जाता है कि कोई 2-4 रुपए की हेल्प कर देता हो तो पता नहीं, हमको पता नहीं ऑस्कर फर्नांडीज चुनाव लड़ाते हैं यहां, ऑस्कर फर्नांडीज क्या है आपकी पार्टी में प्रताप जी? आपकी बात से मैं सहमत हूं। वास्ते क्या है ये लोग चुनाव के इंचार्ज होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? एग्री, मैं एग्री। अरुण जेटली चुनाव देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, विजय गोयल लगाए जाते हैं जो आपके राज्यसभा सदस्य बने, और आप बता रहे हो ऐसे थोड़ा बहुत होता होगा, पता नहीं थोड़ा बहुत होता होगा, सच का सामना करना चाहिए हमको प्रताप भाई। आप बिल्कुल अमिताभ जी आप ठीक कह रहे हैं, आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव होता है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगाए जाते हैं,
लेकिन आपको मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम राजस्थान से हैं, हम दिल्ली में क्या हो रहा है। जब मैं चुनाव जीता है तो मैं भैरव सिंह जी से आशीर्वाद लेने नहीं गया, मेरे बड़े फादर थे, मैं इंडिपेंडेंट जीता था उनकी पार्टी को हराकर। हनुमान बेनीवाल चुनाव जीता तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं गए, वो लड़ता ही रहा। बात रहे, जब आप नहीं जाओगे उनकी पार्टी का आदमी जब जीतता तो लड्डू खा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ खिलाफ लड़ोगे भैया, एग्री, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे, एग्री कर रहा हूँ मैं। हम इसमें सुधार हो सकता है, लेकिन सुधार के लिए तो पार्टियों को बैठकर कंसेंसस बना के और अखिल भाई पड़ेगा। अखिल भाई के सेवा में एक निवेदन और कर दूं, एबीपी के टिकट के लिए हैं कृष्ण गोपाल जी, भैया जी जोशी से लेके और अमित शाह तक लोग सिफारिशें लगाते हैं, आके राजनीति नहीं करते बच्चे, केवल शिक्षा में ध्यान है। साहब राजस्थान के परिपेक्ष में तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, यहाँ नहीं होंगे भाई साहब, मैं तो जो देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ भाई साहब। टिकट में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है दिल्ली में, ना ना आपके यहाँ तो कतई नहीं लेना देना। हम एक बार और भी बहस कर चुके तो एबीपी के कार्यकर्ता ने कहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं, तो मैंने उनसे कहा था एक प्रसंग ऐसा बता दो जब आपने भाजपा की सरकार रही हो और उसके खिलाफ कोई मोर्चा खोला हो। नहीं ना, एनएसयूआई ने गहलोत की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हो। नहीं, एबीपी के किसको समझा रहे हैं भाई, रिश्ते नाभी नाल का रिश्ता, और हम लोग अपनी अपनी बल्दियत नकारने पे लगे हैं, कह रहे कोई रिश्ता नहीं। बेनीवाल जी देश जनता मान लेगी कि कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता नहीं ऐसा ऐसा। जब लड़के वही बैठे मिलेंगे 24 घंटे परनामी जी के घर, तो जनता कैसे मान लेगी। ये अखिल शुक्ला जी जो बता रहे थे ना, बिल्कुल एबीपी की टिकट के अंदर मैं बीजेपी में रहा हुआ हूँ, इनके तो बीजेपी के नेताओं की सिफारिश भी एबीपी की टिकट मिलते हैं, ये तो सही बात है। और बाद में वो काम भी नहीं कर पाते, वहीं चक्कर लगा देते हैं एमएलए की टिकट के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ भैया, तब मेरी बात आप लोग खारिज कर दीजिए। ऐसा आप लोग तो ऐसे पार्षद बन जाते हैं कि लगता है कि भाई बाप रे बाप, पर नामी टिकट बांट रहे और अब हमको समझा रहे हो कि वो हमारी टिकट तो अपने अंदर से आ जाए। अरे शुक्ला जी महाराज नहीं है, हमने भी दुनिया देखी है प्रभु। नहीं नहीं वो सही है, वरिष्ठ है, लेकिन साहब मैं आपको बता दूं राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान हिंदुस्तान में बाहर है क्या प्रताप सिंह खचरेवास जी? भाई मैं तो बड़ी बात कैसे कर सकता हूँ देश भर की, अजब मजाक की बात कर रहा हूँ। मैंने बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का चुनाव देखा, दिल्ली की तमत्तीन यूनिवर्सिटी के चुनाव देखे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव देखा, कोलकाता यूनिवर्सिटी का चुनाव देखा, मुंबई यूनिवर्सिटी का चुनाव देखा। ये राजस्थान देश से बाहर हो गया, वहां एनएसयूआई और एबीवीपी बिल्कुल संत हो जाते हैं। नहीं, यहाँ इंटरफेरेंस नहीं है साहब बीजेपी का, बिल्कुल उसमें बीजेपी क्योंकि विचारधारा एक है, लेकिन उसमें विचारधारा के कारण कोई मदद शुक्ला जी अलग बात है। अखिल शुक्ला जी का नहीं है, अगली बार जब चुनाव होगा प्रताप भाई आप जब मुझे याद दिला दीजिएगा कब चुनाव जब होने को हो, तो इनके घोषणा होने से पहले मैं इनको बता दूंगा इस बार ये लड़का लड़ाएगी बीजेपी, ठीक, तब तो मान जाएंगे दखल है, मैं बता दूंगा आपको। हम तो नहीं मान रहे हैं आपकी बात, नहीं तो मान लेंगे ना। मैं नहीं मान रहा, तो नहीं नहीं तब कहां भाग के जाएंगे, तब भागने का रास्ता नहीं दूंगा ना अखिल शुक्ला जी। नहीं साहब ऐसा राजस्थान में है नहीं। आप अरे नहीं है तो आप जीत जाएंगे तो मैं माफी मांग लूंगा जनता से, नहीं तो मैं 15 दिन पहले बता दूंगा इस नाम का ये लड़का लड़ेगा, फाइनल हो गया, जाओ एबीपी की बैठक होने से पहले मैं बता दूंगा आपको, तब तो मानेंगे, तब क्षमा मांगेंगे जनता से कि गलत बोला था मैंने। शुक्ला जी हाँ सर, हमको पता है मंदिर कहां है, प्रसाद कहां मिलता है और देवता कौन है। प्रताप भाई तो सब लड़कों को पता है कि आज के भी बॉस यही है, कल भी पार्षद का टिकट भी यही देंगे, नहीं पता है क्या? बिल्कुल ठीक बात, और एमएलए भी यही लड़ाएंगे अगर खुश हो जाएंगे तो। तब इतना समझदार तो बच्चा भी है ना आज का, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तो करेगा नहीं करेगा, तो नेताजी की जय जयकार भी करना पड़ेगा पढ़ाई छोड़ के, उनकी रैली में भीड़ भी जुटानी पड़ेगी, करना पड़ेगा ना, क्योंकि राष्ट्र की सेवा है, नेता सेवा मतलब राष्ट्र सेवा। बेनीवाल जी ऐसे हो गया ना समाज में आज साहब एक उदाहरण मैं अलग बताऊं आपको, भरतपुर के अंदर एक कॉलेज का बीच में बात जी 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 मिला था मैं जी, उसके अंदर वो 20 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और 20 के 20 दंडवत प्रणाम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी संघर्ष किया नहीं, तो नॉमिनेशन भरा रहा। चुनाव के पहले करेंगे, चुनाव के बाद नहीं करेंगे, जीत जाएंगे तो नहीं करेंगे, पहले कर रहे हैं। अनुशासन बढ़ रहा है साहब, अनुशासन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये अनुशासन जब जीत जाएंगे तब देखेंगे बेनीवाल साहब,
लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि छात्र नेता सड़कों पर क्यों आते हैं, इतना होदंग क्यों होता है छात्र संघ चुनाव में, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, फंडिंग कहां से होती है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला है। अमिताभ जी संपादकीय, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल 100 में से 100 अंक दूंगा, उन पर कोई दोष नहीं। इस सारी गंगा को प्रदूषित किया राजनीतिक दलों ने दखल देके, प्रभु के लिए अल्लाह के लिए जिस भी धर्म के हो, ईसा मसीह के नाम पर, पैगंबर साहब के नाम पर, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, इतनी दया करो प्रभु, आपके लिए अखाड़ा छोटा है क्या? प्रधानी से लेके लोकसभा तक मार कर रहे हो, कॉलेज छोड़ दो, आपके महिमा मंडित हाथ वहां नहीं, चरण वहां नहीं पड़े, ऐसा नहीं कर सकते, इतना रहम तो कर दो कम से कम। राजनेताओं के लिए तो बहुत बड़ा अखाड़ा है देश में खेलने के लिए, चंजा कबड्डी खेलो, छात्रों के मंदिर को तो छोड़ दीजिए, एक जगह को भी नहीं छोड़ सकते हम। मेरी आपत्ति लड़कों से नहीं, लड़कों से आपत्ति क्यों करूंगा, हमारे घर के तो बच्चे हैं, और भारत की नई पीढ़ी प्रतिभावान है, संघर्षशील है, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, शिकायत है राजनेताओं से। प्रताप भाई आपने भी देखा होगा खूब, पुराने नेता चश्मे उतार के एक नजर से झांप लेते हैं कि इस लड़के में जान है, ये आगे काम आएगा, इस पे दांव लगा दो, और अपने एजेंट से कहते हैं इसके पीछे लग जाओ भाई, इस पे 10-20 लाख रुपए खर्च करो, इसे एक बलेरो दिलाओ है, और 2 राइफल वाले इसके साथ कर दो, और इस छोरे को आगे बढ़ाना है, क्यों, ये बूथ कैप्चरिंग में काम आएगा आगे, देखा है ना ऐसा, मैंने देखा इसलिए कह रहा हूं, आपने भी देखा होगा, टीवी पर नहीं कहेंगे, अच्छी बात है ना, ये बंद कर दीजिए, पढ़ के आ जाने दीजिए, 2-4 साल इंतजार कर लीजिए ना, जब वो लोग बाजार में आ जाए तो चुन लीजिएगा अपने अपने मकसद का आदमी। आप मंदिर में क्यों घुसते हैं, शिक्षा संस्थाओं का पतन कर दिया, भारत में कैसा संस्कार था, कालिदास लिखते हैं महाराज महर्षि कर्ण के आश्रम में, जब महाराज दुष्यंत गए, हनुमान जी दुष्यंत उस वक्त आज के नरेंद्र मोदी से बड़े राजा थे, उस वक्त भारत बहुत बड़ा था, ठीक है ना, जब वो गए, आज तो पार्षद भी जाता है तो प्रिंसिपल के सिर पर बुलेट खड़ी कर देता जाके, तो कालिदास लिखते हैं 1.5 मील पहले रथ रोका, चरण पादुका उसमें रखी और मुकुट उतार के रखा, नंगे सिर नंगे पांव राजा ने प्रवेश किया कि ये गुरुकुल है, ये मर्यादा तो रखिए। अगर सचिन पायलट और परनामी जी के दफ्तर से बच्चे टिकट पाएंगे तो फिर वो शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, जान लीजिए। हर आश्रम का अपना महत्व है ना, पढ़ने के बाद आ जाए फिर वो राजनीति में जाए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कॉलेज में राजनीति क्यों जाए, ये मूल समस्या है। और आज जो विषय रखा था उस पर मेरा निवेदन इतना है, जितने भी छात्र संघ के पुराने नेता हैं, अध्यक्ष रहे वो, पॉलिटिकल पार्टियां जो उनकी संरक्षक हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूंगा, लिंगदो कमेटी आपको मंजूर नहीं, SLP डालिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर कोई कानून जब तक बदल नहीं जाए तब तक उसकी मर्यादा का पालन होना चाहिए। आपको लगता है व्यवहारिक है गैर व्यवहारिक है, SLP डालिए, न्यायिक स्वतंत्रता है, कहिए कि भाई 5,000 में नहीं हो सकता, और निर्णय लेके आइए एक नया, लेकिन जब तक है तब तक उसकी मर्यादा का पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर लोग कानून तोड़ के आगे बढ़े ये अच्छा नहीं लगता, अगर कानून है तो उसको हमको सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा कानून बदला जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह खाशियावास जी, अखिल शुक्ला जी, हनुमान बेनीवाल जी, अमिताभ जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए बिग बुलेटिन में इतना ही, समाचार खबर लगातार जारी है।